राइट दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन लोग जानने वाले हैं बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट को इस बजाज पल्सर 150 UG5 ट्विन डिस्क के साथ कंपेयर भी करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पर पहली बार अपने चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने तमाम दोस्तों के साथ मेरे चैनल को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहली बात, डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट जैसा कि आप देख रहे हो और यहाँ पे है बजाज पल्सर 150 UG5 ट्विन डिस्क, इन दोनों के डिज़ाइन में कोई डिफरेंस आपको नज़र में नहीं आएगा जैसा कि आप देख रहे हो। बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इस दोनों को एक दूसरे से अलग करती हैं, वो मैं टोटल आज आपको इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। अच्छी चीज़ मुझे बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट में लगी वो ये किक सिस्टम, ये देख लीजिए, इसमें आपको किक सिस्टम लगा हुआ मिलेगा। अगर बैटरी ख़राब हो गया या सेल्फ मोटर ख़राब हो गया तो आप किक से स्टार्ट कर सकते हैं। यही चीज़ मुझे माइनस पॉइंट लग रही है इस बजाज पल्सर 150 UG5 ट्विन डिस्क में, इसमें आपको किक सिस्टम कंपनी ने नहीं दिया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ पर ये काम करती है। अगर इसका बैटरी ख़राब हो गया या सेल्फ मोटर ख़राब हो गया तो बस वही है, धकेलिए, धक्का मारिए और गाड़ी को स्टार्ट कीजिए। और बदलाव मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है इस बाइक में लग दिया हुआ ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट में। और यहीं पे ये देखिए, ये बजाज पल्सर 150 UG5 ट्विन डिस्क है, इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ मिलेगा, FI लगा हुआ मिलेगा। दोस्तों आपको मैं आपको इस बाइक का सीट हाइट बता देता हूँ, इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलता है एज यूजुअल, ठीक बजाज पल्सर 150 UG5 ट्विन डिस्क की तरह से ही। इस बाइक का जो सीट हाइट है वो है 790 mm, सेम बजाज पल्सर 150 UG5 का भी सीट हाइट वही है 790 mm है, दोनों का सीट हाइट कंपनी ने सेम रखा है। जो सीटिंग पोस्चर आप बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट पे होगा वही सीटिंग पोस्चर आपको इस बजाज पल्सर 150 UG5 ट्विन डिस्क में भी होगा, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा सा सीटिंग में आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा 125 स्प्लिट सीट और 150 UG5 में। वो फ़र्क कैसे नज़र आएगा वो देख लीजिए, ये जो आप जो हैंडल का जो टी देख रहे हो, टी प्लेट, आप ये जो हैंडल का जो टी प्लेट ऊपर का देख रहे हो, ये थोड़ा छोटा है, हैंडल का जो क्लिप है वो थोड़ा हाइटेड है। 125 स्प्लिट सीट के बारे में बता रहा हूँ, यहीं पर आप ये देखिए बजाज पल्सर 150 UG5 ट्विन डिस्क का हैंडल सेटअप देखिए, इसका जो यहाँ ऊपर की तरफ जो टी प्लेट सेटअप जो है ये थोड़ा सा आपको चौड़ा दिखाई देगा, ठीक है, सेम आपको 220 जैसा ही ये इसका टी प्लेट सेटअप दिया हुआ है। और इसका जो क्लिप या आप जो ये जो देख रहे हैं क्लिप ऑन हैंडल बार, इसका जो हाइट है एज़ कम्पेयर टू 125 स्प्लिट सीट के क्लिप ऑन हैंडल बार से थोड़ा छोटा है, जिसके कारण जब आप इसको इसके हैंडल को आप होल्ड करके राइड कीजिएगा, पकड़ के राइड कीजिएगा तो आपको एक स्पोर्टी लुक प्रदान ये बाइक करेगी। और देखिए इस बजाज पल्सर 125 आपको स्प्लिट सीट में 240 mm का आपको डिस्प्लेट मिलता है विद CBS यानी कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ। यहीं पे आपको बजाज पल्सर 150 UG5 ट्विन डिस्क में फ्रंट की तरफ आपको बड़े डिस्प्लेट मिलते हैं, इसमें आपको सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट में आपको बैक की तरफ कोई डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा। और यहीं पे आप देखिए बजाज पल्सर 150 UG5 ट्विन डिस्क में पीछे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक लगा हुआ मिल जाएगा। फ्रंट शॉक ऑब्जर्वर है 125 स्प्लिट सीट का, इसका थिकनेस कम है एज कम्पेयर टू बजाज पल्सर 150 UG5 ट्विन डिस्क, इसका देख लीजिए, इसके थिकनेस को आप देख रहे हो और यहाँ पर इस बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट के फ्रंट शॉकर के थिकनेस को आप देखिए, ये पतला है एज कम्पेयर टू बजाज पल्सर 150 UG5 के ट्विन डिस्क के फ्रंट शॉकर से। चीज़ आप देख लीजिए, ये बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट का गियर लीवर है, इसमें आपको दोनों आगे और पीछे दोनों की तरफ आपको गियर लीवर दिए हुए मिलते हैं लंबे वाले, जबकि ये देखिए बजाज पल्सर 150 UG5 ट्विन डिस्क का जो गियर लीवर है वो आपको सेम NS220 RS की तरह से सिंगल गियर लीवर इसमें दिया हुआ मिलेगा। भाई लोग, अब आपको मैं बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट का दूसरी तरफ वाला पोर्शन में आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, आपको एसेसरीज के तौर पे आपको इस पर साड़ी गार्ड लगा हुआ मिल जाएगा और इसमें आपको फुल चेन गार्ड का सपोर्ट आता है। इसमें आपको बजाज पल्सर 150 UG5 ये देख लीजिए, ये बजाज पल्सर 150 UG5, इसमें आपको हाफ चेन गार्ड आता है, पर यही चीज़ आपको बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट में फुल चेन गार्ड लगा हुआ मिलेगा। ऑन रोड प्राइस की बात की जाए तो बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट का जो ऑन रोड प्राइस पटना में जून मंथ 2020 का है वो है 94,738 रुपये
और यहाँ पे जो बजाज पल्सर 150 UG5 ट्विन डिस्क है, इसका जो जून मंथ 2020 का ऑन रोड प्राइस पटना में है वो है 1,22,252 रुपये। दोस्तों फ्यूल टैंक कैपेसिटी को भी मैं कंपेयर कर देता हूँ। बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 11.5 लीटर का, और कंपेयर किया जाए 150 UG5 ट्विन डिस्क से तो इसका जो 150 UG5 ट्विन डिस्क का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 15 लीटर का। माइलेज में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा, 125 स्प्लिट सीट का जो माइलेज है वो आपको 50 प्लस का आएगा, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करूँ तो 150 UG5 ट्विन डिस्क का जो माइलेज है वो आपको 48 KMPL to 50 KMPL के बीच में इसका माइलेज रहता है। तो बजाज पल्सर 125 जो स्प्लिट सीट है उसके ऊपर जो बॉडी का फिक्स स्टिकर जो आप देख रहे हो, बहुत कम इसमें बॉडी का फिक्स स्टिकर कंपनी द्वारा लगे हुए हैं। फ्यूल टैंक फ्लैप पे कोई स्टिकर लगा हुआ नहीं मिलेगा, बस पल्सर का अपना आपको 3D लोगो इसमें ऑरेंज कलर का में लगा हुआ मिलेगा। फ्रंट हेडलाइट की तरफ वाइजर की तरफ देखिएगा तो आपको ऑरेंज रंग की एक स्ट्रिप पट्टी लगी मिलेगी, और पल्सर का जो अपना टिपिकल ब्रांड लोगो है वो दिया हुआ मिलेगा। फ्रंट मडगार्ड की तरफ आपको कोई स्टिकर लगे हुए नहीं मिलेंगे। फ्रंट अलॉय या बैक अलॉय में आपको हल्की सी छोटी सी यहाँ पर आपको ऑरेंज रंग की स्ट्रिप पट्टी दी हुई मिलेगी। नीचे की तरफ बेली पैन की तरफ आपको वही आपको ऑरेंज रंग की स्ट्रिप पट्टी दोनों साइड लगी हुई मिलेगी, मतलब कि एक लाइन मिलेगा, देख सकते हैं एक लाइन वाला स्ट्रिप पट्टी बस लगा हुआ मिलेगा स्टिकर फॉर्म में दोनों साइड लगा हुआ। ये जो बैटरी पैनल की जाली देख रहे हो इस पर आपको ऑरेंज रंग का पेंट जॉब इसके बैटरी पैनल के जाली पर मिलेगा। पीछे की तरफ देखिएगा तो 125 की ब्रांडिंग आपको 3D लोगो में है, और जो ग्रे बैंडल है वो ऑरेंज रंग का पेंट जॉब मिलेगा। बस इतना ही आपको 125 स्प्लिट सीट में स्टिकर का काम बजाज कंपनी ने किया है। यहीं पे देखा जाए तो बजाज पल्सर 150 UG5 ट्विन डिस्क जो आप देख रहे हो इस पे बॉडी ग्राफिक स्टिकर आपको लगे हुए मिलेंगे। फ्रंट हेडलाइट से इसका भी शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रंट हेडलाइट की तरफ आपको कोई स्टिकर लगा हुआ नहीं मिलेगा सिवाय बजाज के अपने टिपिकल ब्रांड लोगों के। और यहाँ पे देखिए फ्रंट मडगार्ड की तरफ देखिए, फ्रंट मडगार्ड में आपको दोनों साइड आपको रेड और कार्बन फाइबर फिनिश टाइप का जो बॉडी ग्राफिक स्टिकर आता है वो आपको दोनों साइड इसके फ्रंट मडगार्ड पे दिया हुआ मिलेगा। आपको फ्रंट अलॉय पर रेड रंग की स्ट्रिप पट्टी दी हुई मिलेगी। यहाँ पे देखिए इसके जो इंजन बेली पैन के ऊपर भी आपको बॉडी ग्राफिक स्टिकर लगे हुए मिलेंगे दोनों साइड। और फ्यूल टैंक पर आप देख सकते हैं, फ्यूल टैंक पर आपको पल्सर का अपना 3D लोगो क्रोम कलर फिनिश के साथ दिया हुआ मिलेगा। फ्यूल टैंक फ्लैप पर आपको बॉडी ग्राफिक स्टिकर इसके रेड और कार्बन फाइबर फिनिश वाला जो बॉडी ग्राफिक स्टिकर है उस कॉम्बिनेशन के साथ इसका बॉडी ग्राफिक स्टिकर इसके फ्यूल टैंक पर लगा हुआ मिलेगा। और साथ में इसी से मैच करता हूँ, यहाँ पे बॉडी ग्राफिक स्टिकर लगे हुए मिलेंगे इसके फ्यूल टैंक के नीचे में। यहाँ पे बैटरी पैनल की तरफ देख सकते हैं कार्बन फाइबर फिनिश वाला जो रैपिंग होता है वही आपको बजाज कंपनी ने इसके ये बैटरी पैनल पर कर रखा है। और पीछे की तरफ आइए, ये रहा इसका सीट कॉवल। सीट कॉवल के ऊपर आपको 150 की ब्रांडिंग आपको स्टिकर फॉर्म में दोनों साइड की भी मिलेगी, और नीचे की तरफ भी आपको स्टिकर लगे हुए मिलेंगे रेड कलर में। और पीछे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे से आप देख लो, पीछे की तरफ आपको कोई स्टिकर इस बाइक पर लगे हुए नहीं मिलेंगे। और ये देखिए ये रहा इसका फ्यूल टैंक पैड, ठीक है ना। फ्यूल टैंक पैड भी आपको 3 कलर टोन मिलेगा, सिल्वर वाइट कार्बन फाइबर फिनिश वाला जो पेंट जॉब होता है वो, और ब्लैक कलर, ये तीनों कलर कॉम्बिनेशन के साथ इसके ऊपर फ्यूल टैंक पैड इस पर लगा हुआ मिलेगा बजाज पल्सर 150 UG5 ट्विन डिस्क में। तो आपको टायर को कंपैरिजन करके बताता हूं दोनों बाइक का टायर साइज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट का जो टायर साइज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रंट की तरफ आपको मिलेगा 80-117 का टायर, और पीछे की तरफ आपको ये देख लीजिए 190-17 का टायर है 125 स्प्लिट सीट में का। यहीं पे 150 UG5 ट्विन डिस्क का जो टायर साइज़ है ये देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 90-90-17 का फ्रंट में टायर साइज़ इसका मिलेगा। पीछे की तरफ जो 150 UG5 ट्विन डिस्क का जो टायर साइज़ है यहाँ पे मेंशन है, ये देख लीजिए 120-80-17 का इसमें टायर साइज़ है। इसका जो टायर है 125 स्प्लिट सीट के मुकाबले थोड़ा चौड़ा आपको मिलेगा पीछे की तरफ, आगे भी आपको टायर साइज़ उसके मुकाबले आपको अलग मिलेंगे इस बाइक 150 UG5 ट्विन डिस्क में। अब मैं आपको बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट का मीटर दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए ये रहा इस बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट का मीटर। इसमें आपको डिजिटल एनालॉग का कॉम्बिनेशन इसके मीटर पे दिया मिलता है, और इसके मीटर का जो बैकग्राउंड कलर है वो देख लीजिए, इसके मीटर का जो बैकग्राउंड कलर जो दिया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसके मीटर का जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑरेंज कलर में है। इसके मीटर पर जो जानकारियाँ हैं जैसे टर्न सिग्नल नोटिफिकेशन लाइट, न्यूट्रल नोटिफिकेशन लाइट, पास लाइट नोटिफिकेशन लाइट, और बगल में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बगल में इसका इंजन नोटिफिकेशन लाइट दिया हुआ है, रिसेट का बटन, RPM डायलर आप देख सकते हो, RPM लिमिट लाइट यहाँ पे दिया हुआ है। ये रहा इसका बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट का मीटर। और यहीं पर आपको मैं आपको
बजाज पल्सर 150 UG5 का मीटर आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये है बजाज पल्सर 150 UG5 ट्विन डिस्क, इसका मीटर मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके मीटर का जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको स्काई ब्लू कलर मिलेगा, और इसके मीटर के ऊपर जो डायलर के जो ऊपर जो कलर आप लोग देखे अभी, वो इसके ऊपर कलर रिफ्लेक्ट करता हुआ आपको नज़र आएगा डायलर के ऊपर। और इसके मीटर पे जो जानकारियाँ हैं वो आपको वही डिजिटल और एनालॉग फॉर्म में आपको दी हुई मिलेंगी। और इसके मीटर के नीचे आपको वही टर्न सिग्नल नोटिफिकेशन लाइट, न्यूट्रल नोटिफिकेशन लाइट, पास लाइट नोटिफिकेशन लाइट, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसके ABS नोटिफिकेशन लाइट इसके मीटर पे दिया मिलेगा। बाद बाकी यहाँ पे रिसेट का बटन है, और जो मीटर है एज यूजल वही सेम मीटर है, लेकिन मीटर में कुछ थोड़े मोड़े चेंजेस एज़ कम्पेयर टू 125 स्प्लिट सीट के मुकाबले आपको 150 UG5 में देखने को मिलेगा। राइट दोस्तों, आज आप लोग ने देखा और जाना कि बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट और बजाज पल्सर 150 UG5 इन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंस है, ऑन रोड प्राइस क्या है, और आप लोग ने टोटल चीज़ इस वीडियो में देखा और जाना। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोग का मेरे तहे दिल से। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ बाइक से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। और साथ में मेरे चैनल को आप अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए दो इस भाई को इजाज़त, जल्दी मुलाकात होगी आप लोग से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लिव फ्री, राइड हार्ट एंड हैव अ सेफ राइड।